सो गाइस आज मैं आपके लिए ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ जो कि 35 प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है और हर एक प्रोडक्ट पर अच्छा खासा आपको मार्जिन मिलने वाला है। मार्जिन ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। एक प्रोडक्ट पर 600 रुपए का मार्जिन आप ले सकते हैं और प्रोडक्ट ऐसा होने वाला है हर एक घर की नीड है, हर एक पर्सन की नीड है। आप चाहे दिन भर में एक प्रोडक्ट सेल करें चाहे 10 प्रोडक्ट सेल करें। एक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो 600 रुपए होगा और 10 प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो 6000 रुपए आपके कहीं नहीं गए। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्मिक बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी कैसी लगी वीडियो, प्रोडक्ट कैसा लगा बताइएगा जरूर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि राहुल जी बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी आपको देने वाले और प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। सो राहुल जी प्रोडक्ट कैसा होने वाला है और प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ कहाँ है? बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। देखिए ये जो प्रोडक्ट है हमारा आज के टाइम पे हर एक घर, हर एक जिले, कस्बे, गांव, स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हमारा चंडीगढ़ में एक्सपो हुआ था, वहाँ से माली के कस्टमर हैं जो अफ्रीकन कंट्री वहाँ से भी जुड़े हैं, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ से भी ऑर्डर आते रहते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ऐसा डिमांड वाला होने वाला है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रॉफिट की तो क्या है मैम कि हमारे पास कुछ ऐसे भी कस्टमर्स थे जिन्होंने 1, 2, 10, 15 पीस के साथ स्टार्ट किया था और आज वो अपने स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से लेके बैठे पड़े। ठीक है, मतलब आपके पास रिपीट ऑर्डर आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। बिल्कुल जी। तो प्रोडक्ट अगर ऐसा डिमांड वाला होने वाला है तो जाहिर सी बात है रिपीट ऑर्डर आएंगे, तो आप रिपीट ऑर्डर से ही समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना ज्यादा डिमांडेबल है। तो आप इस बिजनेस को करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर आप लेते हैं तो उसमें प्रोडक्ट का मार्जिन काफी अच्छा आप पे कर सकते हैं। और अब फीचर की थोड़ी सी बात कर लेते, किस तरीके से प्रोडक्ट वर्क करता है, किस तरीके से काम में आता है। देखिए आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, चाहे मेरा मोबाइल फोन हो आपका मोबाइल फोन हो बिल्कुल भी फेस नहीं है। अगर सामने वाले पर्सन को टाइम मिलता है या फिर अगर वो गलत इंटेंशन से रहता है ना, वो आपका फोन एक मिनट के अंदर चोरी कर लेगा। बिल्कुल। और आज के टाइम में ज्यादातर जो फोन की चोरियां होती है वो करने के बाद क्या करते हैं, फोन को स्विच ऑफ, लाइट मोड में भेजना या फिर किसी कंप्यूटर की दुकान में उसका पासवर्ड तोड़वा देना। लेकिन अगर आपके मोबाइल फोन में ये प्रोडक्ट है, बिलीव मी, ना ही आपका फोन स्विच ऑफ होगा, ना ही आपका फोन कभी फ्लाइट मोड में जाएगा। और कोई भी पर्सन चाहे कि डाटा केबल, यूएसबी केबल लगा के आपके फोन का पासवर्ड तोड़ा जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। और ये प्रोडक्ट बनाने का सबसे बड़ा हमारा रीजन था वुमेन्स की सेफ्टी। आज के दौर में चाहे मेरे घर की महिलाएं हो या फिर देश में किसी की भी घर की हो, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बिल्कुल। आज क्या होता है कि आज के टाइम में अगर सामने वाला पर्सन जो गलत इंटेंशन से उनके पास बहुत गलत करने की कोशिश भी करता है और कहीं ना कहीं लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए उनको कोशिश करने के लिए हमने इस प्रोडक्ट को भी लाने का बड़ा रीजन ये था कि अगर ये प्रोडक्ट उनके फोन में है तो उनकी सेफ्टी वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योर की जाएगी। वो किस तरह से कि अगर कोई इनको छेड़ने की कोशिश करता है या फिर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो अपने लाइव लोकेशन, अपने पिक्चर्स, उनकी साउंड रिकॉर्डिंग, वहां पर की लोकेशन, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक अपने फैमिली को भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये था कि इस मोबाइल फोन का ओनर, ये प्रोडक्ट जिसके मोबाइल फोन में है उसके ओनर को हम इतनी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं कि अगर इनकेस ऑफ इमरजेंसी में कोई थ्रेट हो, कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, हर एक के लिए इक्वल काम करता है ये। बिल्कुल। तो उस टाइम उनकी हेल्प करेगा, हेल्प इन द सेंस की उनकी लोकेशन, उनकी कॉल, उनकी पिक्चर्स, हर एक चीजें ऑटोमेटिक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज देता है। तो ये इस लेवल पे कहीं ना कहीं काम करता है हमारे लोगों के साथ। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी इसके एक मेन फीचर की बात करते हैं जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था कि अगर कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी में फंसा हुआ है तो वहां पे से अगर वो कॉल नहीं करने के लिए एबल है तो कॉल आपकी तरफ से चली जाएगी। तो मैम देखिए अब मैं आपको इस प्रोडक्ट की जो हमारे मेन फीचर्स हैं दोस्तों, इसके 31 फीचर्स हैं, 31 की 31 फीचर्स तो नहीं दिखाना पॉसिबल है इस वीडियो में। बिल्कुल। जो हमारे मेन फीचर्स हैं 7 से 8 फीचर्स मैं आपको दिखा देना चाहूंगा किस तरह के फीचर्स है, आप बाकी कॉल करके पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो आप। बिल्कुल जी। तो चलते हैं डेमो की तरफ में। डेमो में आपको सारी चीजें पता लगने वाली, किस तरीके से प्रोडक्ट वर्क करता है, किस तरीके से आप इसको यूजफुल करा सकते हैं और लोगों को, आम जनता तक। बिल्कुल जी। दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा मूवी गार्ड जो अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे मूवी गार्ड हमारा पहला था, मूवी गार्ड जो हमारा ये पहला था इसमें आपको 18-20 फीचर्स मिलते थे। हमारे बहुत सारे यूजर्स थे जो मूवी गार्ड को यूज करते थे। अब क्या है कि मूवी गार्ड को हमने अपग्रेड कर दिया है और हमने इसको बना दिया है कवच हैक्स। अच्छा, कवच हैक्स आप ये देखोगे। ठीक है। अब जैसे मूवी गार्ड में पहले क्या था कि आपको ये फीचर्स मिलते थे, यहाँ पे मूवी गार्ड में आपको ये फीचर्स कि जैसे आप अनप्लग मोड हो गया, एंट्री टच हो गया, न्यू सिम अलर्ट हो गई, कि आपकी फोन की कोई फिल्म निकाल के फेंक दी, अपनी फिल्म लगाएगा। मतलब इसमें फीचर्स कम थे मूवी गार्ड में। मूवी गार्ड में फीचर्स कम थे थोड़ा, मतलब 18-20 फीचर थे। ठीक है। लेकिन दोस्तों बात करूं मैं अगर कवच हैक्स की, कवच हैक्स में आपको
30+ फीचर मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा। जो अलग अलग फीचर अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन के ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, मैं आपको हर एक फीचर फटाफट बता देता हूँ किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये परफॉर्म करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्यूआर कोड का, ऑफलाइन क्यूआर। ऑफलाइन क्यूआर तब काम करता है हमारा कि हम आपको जब आप हमसे प्रोडक्ट लोगे तो इसके अंदर आपको 3 क्यूआर कोड मिलेगा। एक क्यूआर कोड होगा स्कैन करके आपको डाउनलोड करने के लिए, 2 क्यूआर कोड मिलेगा आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने बैग में लगा दीजिए। अच्छा। अगर लैपटॉप आपका बैग कहीं खो गया तो आप अगर वो स्कैन करता है कोई तब भी आपकी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा। बात करता हूँ दूसरे मोड की, जैसे हो गया डू नॉट टच, मोड को ऑन किया, फोन बंद किया और कहीं रख के चले गए हम। ठीक है, चले गए और हमसे बिना पूछे कि हमारा फोन कोई टच नहीं करता था, लेकिन फिर भी कोई आता है घर में चोरी करने, चोरी छुपे, आप रात को सो ही रहे हो, कोई आया फोन, कहते ना कि रात को फोन चोरी हो गया, पता नहीं चलता किसने चोरी कर लिया। आप इस मोड को ऑन कर दीजिए और जब भी कोई फोन टच करेगा अच्छा तो चालू होगा, तब तक बजेगा जब तक फोन में कोई अनलॉक नहीं करता, ना ही कम होगा। अनलॉक कौन कर पाएगा? जो पासवर्ड जानता होगा, यानी कि आपका या तो जानकार होगा या तो आप खुद होंगे। जी ठीक है, ये मोड को बंद किया। बात करते हैं अनप्लग मोड की। अनप्लग मोड क्या करता है कि फोन को चार्जिंग के टाइम पे आपकी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप बस या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आपने अपना फोन चार्ज में लगाया जी और हमारे इस मोड को ऑन कर दिया। ठीक है, और आप किसी भी कारण की वजह से आपकी नींद लग गई या फिर आप बाहर चले गए। ठीक है, और मौका देख के कोई आपका फोन ले जाने की कोशिश करता है, अनप्लग मोड ऑन है। ठीक है, हमारा फोन बंद है, हमने इसको चार्जिंग से रिमूव किया, जैसे रिमूव करेंगे वो अलार्म बजा देगा। ठीक है, बिल्कुल, मतलब अनप्लग करते ही सायरन बजना चालू हो जाएगा। बिल्कुल, ना ये वॉल्यूम डाउन होगा। ठीक है, अगर मैं डाउन करने की कोशिश करूंगी वॉल्यूम डाउन होगा, ना ही स्विच ऑफ होगा, नहीं होगा, और ना ही स्विच ऑफ होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं बात करता हूँ इसके कुछ एडवांस फीचर्स की जिसके लिए एप्लीकेशन हमारा बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, बात करता हूँ दोस्तों मैं थेफ्ट मोड की। थेफ्ट मोड हमारा वो मोड है जिसमें आपका फोन, मान लीजिए यही मोड फोन है हमारा, चोरी हो गया, ये फोन है, ये थेफ्ट मोड है, ये चोरी हो गया, कोई लेके चला गया जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये फोन जिसने भी चोरी किया उसके किसी काम करना है, उसके लिए डब्बा बन जाए। ठीक है, तो उसको करना क्या है कि आपको जाना है हमारे पैनल में, आपको हमारा पैनल मिलेगा आपको। ठीक है, पैनल मतलब कि हमारा जो वेबसाइट है kavachex.com इनकी, आप जाओगे यहाँ पर स्लैश आपके नाम से मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका यूजर नेम होगा, आप अपनी ईमेल और अपना कोड जो आप जनरेट करोगे आप उसको डालोगे, तो आपको ये हो जाएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों कि जैसा ही आप अपने इस मोड को आप अपने फोन में भी ओपन कर सकते हो, मैंने अपने लैपटॉप में ओपन किया है जी, और मैं स्टार्ट थेफ्ट मोड पे ऑन करूंगा, ये ऑन करते ही कुछ फिगर लेगा और ये थेफ्ट मोड ऑन हो जाएगा और मेरा फोन कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ना ही स्विच ऑफ होगा, ना ही कुछ नहीं होगा, ना ही कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, मान लेते हैं ये फोन 1% के लिए स्विच ऑफ हो गया, सामने वाले ने चार्ज में लगाया और दोबारा ये ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, इसकी पे ना कोई यूएसबी केबल काम करेगी। अच्छा, ना कोई डाटा केबल काम करेगी, क्योंकि अच्छा, क्या है कि फाइबर कैफे में जाने के बाद फोन को रिफेट करने की कोशिश करते हैं, रिबूट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए हमको डाटा केबल लगाना, ये डेवलपर मोड पे काम करना उसमें ले लिया। बिल्कुल भी आप मतलब करना क्या है? ये फोन चोरी करने वाले के लिए डब्बा बन चुका है, डब्बा बन चुका है। बिल्कुल ठीक है, है। अच्छा, मान लीजिए मैं इस पे कॉल करके अगर कॉन्टेक्ट करना चाहूँ तो मैं कॉल कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे क्या है कि सामने वाले के लिए मेरा नाम दिख रहा होगा, ये नाम है, इस पर्सन का फोन नहीं है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। मैं करता क्या हूँ कि मैं दूसरे फोन से इस पे फोन करता हूँ, मेरा एक दूसरा नंबर है, मैं इस नंबर से इस पे फोन कर रहा हूँ जो इस पे नंबर है। ठीक है, अब देखिए इस पे फोन आ जाएगा, फोन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन सामने वाला कुछ कर कुछ नहीं पाएगा। अच्छा जी ठीक है, अब क्या मैं आपको दूसरे इसके फीचर्स बताता हूँ हमारे एप्लीकेशन के जी। अब क्या कि आपने ये ऑन कर दिया, मैं आपको डेमो दे रहा था और आप यहीं पर से इसको स्टॉप थेफ्ट मोड करोगे, आपको जो ये मोड था ये मोड आपको ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेरा फोन खुल चुका। ठीक है, मैं बात करता हूँ दोस्तों कुछ ऐसे सिचुएशंस की, ऐसे आप अपने फीचर्स की जो इन केस ऑफ इमरजेंसी काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं पर हो और आपको नहीं पता कि, मान लेते हैं कि यही मेरा फोन छोटे भाई के पास है, छोटा भाई या फिर मेरी सिस्टर रात के 10 बज रहे हैं फोन लेके बाहर चली गई, वो ना मेरा फोन उठा रही है, ना ही मुझे उसकी लोकेशन पता है कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं उससे कैसे बात करूं? बिल्कुल, तो मैं उसके लिए करूंगा क्या कि देखिए जैसे ये हो गया मेरी सिस्टर का फोन जो रात के कहीं भी है, मुझे नहीं पता क्या कहाँ पर है, क्या कर रही है, क्या नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे चाहिए मेरी सिस्टर की फोन की लोकेशन की कहाँ पर है अभी, वो क्या कर रही है। तो हम करेंगे क्या कि इस नंबर पे जो नंबर यहाँ पे ऐड है, ठीक है, ये रक्षा कवच वाले एप्लीकेशन में, ये जो हमारे इसके फीचर, मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके अंदर के फीचर सब मैंने आपको बता दिया। मैं आगे फीचर बताता हूँ, लोकेट में हमारा एक फीचर है SMS मोड का, ये वाला। ठीक है, ये लोकेट डिवाइस, लोकेट डिवाइस करने के लिए आप जब देखोगे तो आपको लोकेशन लिखना पड़ेगा। आप एक नंबर से जाके आप उस नंबर पे, जिस नंबर पे रजिस्टर्ड है, आप क्या करिए
आप लिखिए लोकेशन, आप स्पेस दीजिए और पिन लिख दीजिए, आपका जो पिन है। जैसे आप पिन लिखोगे तो आपके पास इस फोन की कहां पर इसकी लोकेशन है, ठीक है, कहां पर क्या है ये फोन, आपके पास फोन में मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी। देखिए जी दोस्तों, मेरे पास करंट लोकेशन आ चुकी है कि मेरा ये फोन, ये वाला फोन कहां पर है, ठीक है, और मैं इस लोकेशन पे क्लिक करके ट्रैक कर सकता, मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरा वो फोन कहाँ पर है, ठीक है, किस सिचुएशन में। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे फीचर्स की। अब जैसे मान लीजिए कि यही फोन है और मैं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर से बात हो पाए, ठीक है, और वो किसी भी रीजन से मेरी फोन नहीं उठा रही है, फिर कॉल पे रिप्लाई नहीं कर रही है, और मुझे लगता है कि वो किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुकी है, और मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी फोन, मेरा कॉल वो नहीं उठा रही है, लेकिन इधर से कॉल मुझे अपने आप आ जाए। हाँ, क्या सिचुएशन चल रही है सामने से वो पता चल जाए, मैं पूरी बात सुन पाऊँ कि कैसे ये हुआ, क्या चल रहा है ये, उनके बिना लगाए मेरे पास फोन आ जाए। जी जी। अब जैसे मान लीजिए कि यही फोन मेरी सिस्टर के पास है, वो हाथ में ले रखी है और दो तीन लोग उसका परेशान कर रहे हैं, वो फोन नहीं लगा पा रही है, ठीक है, लेकिन उसको कॉल आ रही है, वो कॉल भी नहीं उठा पा रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सिस्टर के पास फोन है वो फोन लगा दे मुझे, ठीक है, बिना सिस्टर के फोन लगाए हुए, ठीक है। तो ये फीचर किस तरह से काम करता है मैं आपको भी ये बताने वाला हूँ। ये नंबर है, ये फोन है, इस फोन को मैंने फाइड रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे एक मैसेज भेजता हूँ इस फोन पे। जी। कॉल लिखना पड़ता है, स्पेस देकर 0084 जो हमारा इसका पासवर्ड होता है। जी। आप जब पैनल रेडी करोगे तो आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, वो आपको अपनी मर्जी से डालना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालोगे और आपको यहाँ पे नंबर डालना पड़ता है, वो नंबर अलग होना चाहिए, वो थर्ड नंबर होना चाहिए। जैसे मैं आपको भी एक नंबर डाल के यहाँ पे दिखाता हूँ, 93। मैंने ये नंबर डाला और मैंने इसको यहाँ भेज मैसेज भेज दिया। अब देखिएगा कि मुझे उधर से फोन आ जाएगा इस नंबर पे, ये देखिए। अच्छा, जबकि मैंने, मेरी सिस्टर ने मुझे फोन नहीं लगाया है, अपने आप कॉल लगा, अपने आप फोन आ गया, ठीक है। अब मैं एक कॉल उठा के पूरी बात सुन सकता हूँ कि क्या बात हो रही है हमारे बीच। अच्छा, ठीक है जी। विदाउट एनी एफर्ट्स भी इधर कॉल, बिल्कुल विदाउट एनी एफर्ट्स यहाँ कॉल आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए मैम। फीचर जी जी। अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ अगले फीचर्स की जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे बनाए गए हैं। अब कैसे कि मान लेते हैं कि सामने वाला पर्सन आपका फोन चोरी कर लिया है और वो चाहता है कि आपका फोन फ्लाइट मोड में भेज दे। अच्छा, क्योंकि फोन में फ्लाइट मोड भेजना आम बात है, फ्लाइट मोड पे चला गया तो ना ही नेट ऑन रहेगा आपका, ना ही कॉल आएगी, दिक्कत हो जाएगा। हमारा इसके एक फीचर है हमारे इसके अंदर, एरोप्लेन ऑन मोड। आप इस मोड को ऑन कर दोगे तो आपका जो ये मोड है, इस मोड को हम ऑन करेंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। अच्छा, एरोप्लेन मोड काम करना बंद कर देगा, ये मोड काम ही नहीं करेगा। जैसे क्या है कि आज के टाइम पर कोई फोन चोरी करता है तो वो ऐसे जाता है नीचे, इस पे क्लिक करता है, आपका फोन एकदम ऑफलाइन, ना ही कॉल आएगी, नहीं कोई चीज देख सकते आप, तो हमारा ये मोड ऑन जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या कि इंटरनेट लॉक, क्या कि सामने वाला चाहता है कि अगर इसका नेट चलता रहेगा तो ये हमारे ट्रैक कर सकता है, लेकिन जैसे आप इंटरनेट मोड को लॉक कर दोगे तो आपका जो सामने वाली जो स्क्रीन होती है ऐसे हो जाता है ना, ऐसे ड्रॉप डाउन जो होता है, ड्रॉप डाउन होगा ही नहीं, इंटरनेट लॉक हो जाएगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ कुछ दूसरे फीचर्स की, जैसे हो गया इंस्टॉलेशन लॉक। क्या है, मान लेते यही जो फोन है मेरा, छोटा भाई बहुत ही छोटा है, वो बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है बिना मेरे से पूछे। जी, गेम्स के एप्लीकेशन करते हैं, कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो ऑन नहीं हो, मतलब डाउनलोड नहीं होगा, बिल्कुल। ये हो गया एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये क्या है, रन, ये हो गया, ये है, ये ऑलवेज रन हमारा एक मोड है। ये किस तरह से काम करता है कि आप किसी बाइक में बैठे हो, ठीक है, और ये एक आपकी लोकेशन को भी बताता है कि आप कितने किलोमीटर में चल रहे हो। अगर आप इसको ऑन कर दोगे और आप बाइक में बैठे और आपकी बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर है और आप 40 डायरेक्टली जीरो पे आ जाते हैं अगर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये अलार्म भेज देगा आपके मैसेजेस पे, आपके फोन नंबर पे जो रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा हो गया एंटी शटडाउन फीचर। एंटी शटडाउन फीचर इस तरह से काम करता है कि आपने इसको ऑन कर दिया है और ये फीचर ऑन है तो आपका एंटी शटडाउन जो वाला फीचर है ये काम नहीं करता, ये जो पावर बटन का है ये काम नहीं करता। न्यू सिमुलेट इस तरह से परफॉर्म करता, आप लिखोगे यहाँ पे आई बटन में कोई फीचर है तो आपको पता चल जाएगा, अगर कोई पर्सन आपकी सिम निकाल के नई सिम डालता है तब भी इसको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके हो गए ऐसे एसएमएस मोड पे हो गए कि आप अपने लाइव लोकेशन भेज सकते हो, आप अपनी फोटोज भेज सकते हो कि आप अभी किस सिचुएशन में हो। इसके बहुत सारे इमरजेंसी मोड है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं सारे डेमो बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी जो इसके दूसरे फीचर्स हैं आप मुझे कॉल करके, हमारी टीम को कॉल करके आप पूरे
फीचर्स के बारे में जानिए, आप भी 2-4 पीस प्रोडक्ट वगैरह यूज कीजिए। सो गाइस बहुत ज्यादा जानकारी अच्छी दी है राहुल जी ने, तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आरजी एंटरप्राइजेस से आप जुड़ सकते हैं। सो वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को मेरे चैनल में मिलते रहते हैं। बाकी कमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।